कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी पर जहां हिमाचल कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होने की बात कही जा रही है, तो वहीं भाजपा में राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर परिवादवाद को बढ़ावा देने की बयानबाजी की जा रही है। राहुल गांधी की ताजपोशी पर हमीरपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने ताजपोशी पर राहुल गांधी को हिमाचल कांग्रेस की ओर से बधाई दी और उम्मीद जताई कि अब कांग्रेस में नए रक्त का संचार होगा। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारो ने राहुल गांधी की ताजपोशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस ताजपोशी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और राहुल के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी पुनः स्थापित करेगी और फांसीवाद ताकतों को खत्म करेगी। सबको विश्वास है कि राहुल गांधी के प्रगतिशील और गतिशील नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पुनः अपने आप को स्थापित करेगी और जो फांसीवादी ताकतें हैं हिंदुस्तान के अंदर उन ताकतों को परास्त करेगी। वहीं भाजपा के गढ़ हमीरपुर में भाजपा के प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारो ने राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर परिवारवाद की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि यह तो पहले ही तय था कि राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से परिवारवाद को बढ़ावा देती आई है और इसका कोई भी फर्क भाजपा और देश में हो रहे चुनावों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा विकास के नाम पर वोट मांगती आई है। राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात को साबित करता है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही ऐसा रहा है कि परिवार का बोलबाला रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है। हर किसी को पता था कि इस समय राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे और आने वाले समय में इसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल विभिन्न है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ के अध्यक्ष रहे हैं और मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद जिला प्रदेश से होते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये है कार्यकर्ता की वैल्यू। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर में से निकालती है, और जबकि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। और इसमें कोई बड़ा हमें आश्चर्य नहीं हुआ कि राहुल गांधी का नॉमिनेशन, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नॉमिनेशन फाइल किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि परिवारवाद को ये लोग बढ़ावा देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इससे उलट कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर से किसी भी कार्यकर्ता को, कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।